ये नी लेंथ की ड्रेस आप बड़े आराम से चुटकियों में बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको लड़कियों की नी लेंथ की ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, मोटे स्ट्रेचेबल कपड़े की। और ये बहुत जल्दी आसान स्टेप्स में बन जाता है, तो इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन पीस ड्रेस बनाने के लिए मेरे पास है 1.5 मीटर कपड़ा। ये बड़े अर्ज का है, इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है और ये फर वाला कपड़ा है। इसमें रोएं हैं ऐसे। हमेशा फर वाले कपड़े की कभी भी आप ड्रेस बनाओ तो ये फर का जो रोया है ये नीचे की साइड जाना चाहिए, इसका फ्लो नीचे की तरफ होना चाहिए। मतलब अगर हम ड्रेस बनाएंगे तो ये नीचे को जाने चाहिए फर। तो सबसे पहले हमें जब ड्रेस बनानी है, पहले हम माइंड में इमेजिन करते हैं कि हमें कैसी शेप देनी है। उसके लिए हमको ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। हमें बनाना है बोट शेप गला और इस तरह से हमारा ये कमर का आ जाएगा। इस वाली शेप की हमको एक ड्रेस बनानी है क्योंकि सर्दियों का है ये कपड़ा, मोटा है और थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है। अब हम देखेंगे कि हमको नाप क्या क्या चाहिए इसमें। सबसे पहले हमको चाहिए लेंथ, ऊपर कंधे से लेके घुटने तक ये ड्रेस आएगी, तो उसकी लेंथ हमें चाहिए। लेंथ हमारी है लंबाई 37 और हमें तीरे का नाप लेना होता है। तीरा इसका है 12 इंच 12 इंच। हमें लेना होता है बस्ट का नाप जो कि है 33 इंच। यहां से हमें लेना होता है एक नाप। एक हमें वेस्ट लेना होता है कमर का नाप, ये हो गया 33 इंच छाती का नाप और 28 इंच हो गया हमारा कमर का नाप। और एक हो गया हमारा हिप का मेजरमेंट 34 इंच, ये पतली लड़की का ही नाप है। इसके अलावा आपको आपने बस्ट ले लिया, आपने कमर का नाप ले लिया, आपने हिप का नाप ले लिया और एक आपने ले ली लेंथ और तीरा और एक आपने ले ली बाजू, कितने इंच बाजू रखनी है, स्लीव्स की लंबाई, वो आप अपने पास नोट कर लें। उसके अलावा हमें ये भी एक नाप लेना होता है कि हमें जो कंधे से जहाँ हमारा तीरा होता है, कंधे से ब्रेस्ट कितने इंच पे आ रही है और कमर कितने इंच पे आ रही है और हिप कितने इंच पे आ रही है, वो हमारे पास ठीक होना चाहिए क्योंकि सबकी हाइट अलग अलग होती है। तो अकॉर्डिंग टू हाइट हमें सारा सब चीज़ का नाप लेना है। बस्ट का ऊपर से कितने इंच पे बस्ट आ रही है, कितने इंच पे कमर आ रही है, कितने इंच पर हिप आ रहे हैं और लेंथ तो हमने लेनी लेनी है। तो मैं इसकी अब आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इसकी कटिंग हमने कर ली है, तो 37 इंच लंबाई थी तो हमने 40 इंच इसको कटिंग कर लिया। 1.5 मीटर कपड़ा था जिसमें से कि 1 मीटर के लिए फ्रंट और बैक निकल गया और जो आधा मीटर बचा हमारे पास उससे हम इसकी बाजू निकालेंगे। इसके लिए हमने यहाँ से तीरा ले लिया, 6.5 इंच पर हमने बगल की काट उतार ली है और ऐसे करके अगर हम नापें तो बस्ट का नाप 11 पे है, वेस्ट 15 पर है और 23 या 22 पर हमारा हिप है। अब हम इसका ये वाला नाप लेंगे, तो 33 इंच इसकी वेस्ट है तो यहाँ से हमने रख दिया इसको 8.5 इंच और यहाँ से हमने कमर का नाप लगा लिया लगभग 14 इंच, मतलब ये 7 आ रहा है तो 14 इंच ये कमर का नाप, यहाँ पर हमने हिप का लगा दिया। और ये क्योंकि खिंचाव वाला कपड़ा है, थोड़ा स्ट्रेचेबल है, ये भी ध्यान रखा हमने कि फर नीचे की साइड जाए, कपड़ा खिंचाव वाला है इसलिए ज़्यादा हमें मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारा ये आर्म होल की कटिंग हो गई और बहुत सिंपल ड्रेस बनेगी बहुत जल्दी से। ये हमारी फिटिंग की सिलाई आ जाएगी और यहाँ बोट शेप नेक आ जाएगा। ये इस ड्रेस की स्लीव्स कट गई है, स्लीव्स को हम आगे से थोड़ा सा डीप काट देते हैं इस तरह से, वो भी हमने दे दी। और ये जो ड्रेस है, ड्रेस में ऊपर बोट शेप नेक बनेगा इस तरह से। इस तरह से देंगे हम शेप बोट नेक की, इसलिए मैं इसको कटिंग नहीं कर रही हूँ हम, क्योंकि इसी कपड़े को फोल्ड कर देंगे इस तरह से और इससे अच्छा सा बोट शेप आ जाएगा। ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है।
और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।